शहर में लगातार बढ़ती चोरी की घटनाओं से जहां पुलिस परेशान है, वहीं आमजन भी अपने घर से दूर जाने से डर रहे हैं। ऐसे में शहर पुलिस लगातार चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों की धरपकड़ में जुटी है। इसी बीच ग्वालियर क्राइम ब्रांच को एक और बड़ी सफलता मिली है। क्राइम ब्रांच ने नकबबाजी गैंग को दबोचा है, जो कि उत्तर प्रदेश और दिल्ली से आकर MP के ग्वालियर में वारदातों को अंजाम देकर फरार हो जाते थे। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों से शहर में हुई 3 चोरियों का खुलासा किया है। हालांकि इस गिरोह का मास्टरमाइंड एक 70 वर्षीय व्यक्ति है, जो कि दिल्ली का निवासी है, उसकी अभी तलाश है। लेकिन पकड़े गए 5 आरोपियों से पूछताछ में पुलिस को कई अहम सुराग मिले हैं। आरोपियों ने विगत 14 मार्च को मुरार, 5 मार्च को यूनिवर्सिटी और 14 मार्च को ही थाटीपुर इलाके में चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद शहर का व्यापारी वर्ग भी पुलिस से नाराज था। लेकिन वारदात के बाद पुलिस ने आनन फानन में क्राइम ब्रांच को पूरी जाँच सौंपी और आधा दर्जन के करीब टीमें बनाई, जिसके बाद क्राइम ब्रांच द्वारा यूपी, दिल्ली और आसपास के राज्यों में जांच पड़ताल के बाद इन 5 शातिर अपराधियों को दबोचा। पुलिस फिलहाल PR पर लेकर आरोपियों से पूछताछ कर रही है। ग्वालियर SSP ने कहा, आरोपियों को पकड़ने वाली टीम को पुरस्कृत भी किया जाएगा। ये एक 5 सदस्यीय नकबजनी गैंग को पकड़ने में क्राइम ब्रांच और मुरार पुलिस की टीम ने सफलता अर्जित की है। इनको दिल्ली से पकड़ा गया है और 14 तारीख के दिन में साई काका अपार्टमेंट मुरार में एक बड़ी नकबजनी की वारदात हुई थी, और उसके बाद से क्राइम ब्रांच और मुरार की टीम पतासाजी कर रही थी। और सूचना मिलने पे हमने करीब 5-6 टीमें दिल्ली भेजी हुई थी, और वहाँ पे इन आरोपियों को पकड़ा गया है। ये कुल 5 आरोपी हैं, जिसमें जो इनका मास्टरमाइंड है उसकी आयु 70 वर्ष की है, और उसके विरुद्ध दिल्ली के विभिन्न थानों में 20 अपराध दर्ज हैं, और उसका जो एक अन्य सहयोगी है उसके भी 10 से ज़्यादा अपराध दर्ज हैं। और पूछताछ पे इन लोगों ने 14 तारीख को मुरार की नकबजनी, इसके अलावा 5 तारीख को विश्वविद्यालय क्षेत्र में हुई एक बड़ी नकबजनी, और 14 तारीख को ही मुरार ये थाटीपुर क्षेत्र में हुई एक नकबजनी का खुलासा किया है। और इसके अलावा 2 अन्य जगह पे भी इन्होंने अटेम्प्ट किया था, प्रयास किए थे, किंतु ये सफल नहीं हो पाए। ये बहुत ही शातिर गैंग है। ये एक गाड़ी में, अपनी लग्जरी गाड़ी में दिल्ली से निकलती है, और जब निकलती है दिल्ली की ओरिजिनल नंबर प्लेट लगा के निकलती है, और जब जिस राज्य में जाते हैं वहाँ की नंबर प्लेट ये लगा लेते हैं। मध्य प्रदेश आए तो मध्य प्रदेश की इन्होंने नंबर प्लेट लगाई, और तमाम CCTV देखने के बाद इनके आने जाने के रूट पे 2 गाड़ियों को आइडेंटिफाई करके, 2 एक जैसी दिख रही थी परंतु नंबर भिन्न थे, और उससे जाके ये गैंग पकड़ा गया है। और अब इनसे पूछताछ और की जा रही है, क्योंकि इनसे जो रिकवरी हुई है वो 3 नकबजनियों के हिसाब से अभी काफ़ी कम है। इनका PR ले लिया गया है, और PR लेके हम पूछताछ कर रहे हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि इसमें जो अधिक से अधिक हम रिकवरी कर सकें। कुल मिला के एक अंतर्राज्यीय नकबजनी गैंग है, और बहुत अच्छी सफलता क्राइम और मुरार की टीम ने इसमें IC कार्ड मिले हैं क्या? हाँ, ये एक इन्होंने क्राइम डिटेक्शन डिपार्टमेंट करके, टीम करके एक आइडेंटिटी कार्ड भी बना रखा था। ग्वालियर से सागर शर्मा की रिपोर्ट।